हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज। आज आधुनिक युग व 21वीं शताब्दी में विज्ञान पर आस्था भारी पड़ी। नीमच जिले के मनासा विकासखंड के एक छोटे से गांव रतनपुरा में धनगर गायरी परिवार की एक बालिका जो विगत कई समय से बीमार चल रही थी, जिसका परिवार द्वारा उदयपुर, अहमदाबाद सहित कई अन्य जगह के बड़े बड़े चिकित्सालय में उसका इलाज करवाया गया। इसके उपरांत भी उस बालिका को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। लेकिन देखिए, आस्था के तहत ग्राम पंचायत फूलपुरा, जो कुकड़ेश्वर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पे मेन रोड पर विराजित श्री चमत्कारी हनुमान जी का जो मंदिर है, वहाँ पे धनगर गायरी समाज के इस परिवार द्वारा अपनी बेटिका के स्वास्थ्य के सुधार हेतु यहाँ पे मन्नत मांगी गई। वह उस बालिका को लगभग 1 माह तक बजरंगबली के मंदिर पे रखा गया। तो देखिए परिणाम कि जो बड़े बड़े चिकित्सक व बड़े बड़े हॉस्पिटल, जहाँ पे उस बालिका को उस बीमारी से निजात नहीं मिली, वह भगवान श्री चमत्कारी हनुमान जी का आशीर्वाद उस बालिका के ऊपर बना, जिसके तहत वो बालिका आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और देखिए, उसके पिताजी द्वारा जो मन्नत मांगी गई थी कि अगर मेरी बेटी का स्वास्थ्य में लाभ होता है तो मैं अपने गांव रतनपुरा से फूलपुरा तक, जिसकी 5 किलोमीटर दूरी है, लगभग 10 किलोमीटर, वहां तक मैं रोड पे माध्यम से लौटते हुए बजरंगबली आपके श्री चरणों में आऊँगा। और इसी तारतम्य में आज 7 जनवरी 2020 मंगलवार को यह नज़ारा देखने को मिला। बालिका का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक है और उसके पिताश्री द्वारा लौटते हुए अपने गांव रतनपुरा से फूलपुरा तक यहां पे वो आए हैं भगवान श्री चमत्कारी हनुमान जी के श्री चरणों में। उनके साथ में उनके गांववासी व उनके सगे संबंधी भी उनके साथ में है। ढोल नगाड़े व DJ के साथ में नृत्य करते हुए ग्रामवासी व समाजजन उनके साथ में यहाँ पे आए हैं। नज़ारा देखिए श्री चमत्कारी हनुमान मंदिर फूलपुरा का, जहाँ फूलपुरा में उपस्थित जनसैलाब है, धर्म प्रेमी है, जो उस बालिका के स्वस्थ होने पर वो यहाँ तक भगवान श्री चमत्कारी हनुमान जी के श्री चरणों में उनका धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं। बालिका जिसका स्वास्थ्य खराब था वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और वो देखिए, ये इस वो बालिका स्वयं इस आयोजन में नृत्य करती हुई देखी जा रही है। उसका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ है। नज़ारा मनासा विकासखंड के ग्राम पंचायत फूलपुरा का, मन्नत मांगने में उसके पिताजी ने जो मन्नत मांगी थी वो आज पूर्ण हो रही है। उनके परिवार के देवीलाल धनगर रतनपुरा, साथ ही अमरलाल, रामलाल धनगर, रामचंद्र धनगर, सुरेश धनगर सहित समस्त परिवारजन भी उनके साथ में है। नज़ारा देखिए श्री चमत्कारी हनुमान मंदिर फूलपुरा का। आस्था व एक दृढ़ विश्वास के तहत ये एक अद्वितीय काम जो यहाँ देखने को मिल रहा है। यकीन मानिए, आज के इस आधुनिक युग पे आस्था विज्ञान के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें।